इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के वेयर हाउस में आग लगती है सुबह 4 बजे। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के गोदाम और मारुति का शोरूम भी उसकी चपेट में आ गया। करीब 4 बजे आग लगी, फायर ब्रिगेड को सूचना मिली। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने लगातार 6 घंटे तक मशक्कत करके आग पर तो काबू कर लिया, लेकिन इस आग से करीबन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के वेयर हाउस में करीबन 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वेयर हाउस में उस समय लोग मौजूद नहीं थे, जिससे जानहानि तो नहीं हुई लेकिन करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस आग के धुएं से आसपास की भावकता अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि 3-3 किलोमीटर दूर तक उसका धुआं नजर आ रहा था। उसके बाद गोदाम में रखे कंप्रेसर और फ्रिज और अन्य सामान बम की तरह ब्लास्ट हो रहे थे। आवाजें सुन के लोग दहशत में थे। पूरी 3 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक लोग दहशत के साए में मौजूद रहे। ये आग बीकेटी एरिया में लगी थी, हालांकि हाईवे उससे दूर नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वहां जाम की स्थिति बन गई थी। ये सूचना लगभग हमारे पास 4:30 बजे आई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है वेयर हाउस में आग लगी है। ये फायर स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है, तो 3 गाड़ियां मौके पर तत्काल रवाना होगी, और आग काफ़ी भयानक थी, तो इसलिए उसको देखते हुए हम लोगों ने जो है आसपास जो स्टेशन है वहाँ से भी गाड़ियाँ बुलाई, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी बुलाई, क्योंकि अप्रोच नहीं हो पा रही थी, इसलिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म बुला के हमने ऊपर से जो है पानी डाला। टीन का शेड बना हुआ था, पूरा टीन का शेड नीचे गिरा हुआ था, इसलिए आग बुझाने में थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं। पास में एक मारुति सुजुकी का जो वर्कशॉप और गोदाम दोनों थे, वहाँ हम लोगों ने आग नहीं फैली थी, उसको पूरा बचा लिया गया। मोस्टली आग जो है 80% बिजली की वजह से लगती है, तो जो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है, और नुकसान तो काफ़ी जो है हुआ है उसका, और हम लोग इन राइटिंग में उनसे पूछेंगे कि कितना नुकसान है, क्योंकि उन्होंने इन्वेंट्री वगैरह उसे मेंटेन की हुई होगी, तो वो आसानी से बता सकते हैं।